ये देखो कितने क्यूट से लग रही है, छोटे छोटे से। गाइस आज मैं अपनी लोकेशन पे आ चुका हूँ और मेरे साथ है जयंत भाई। और कैसे भाई? बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया भाई। आपके पास कौन सी ब्रीड है? मेरे पास भाई डॉबरमैन ब्रीड है। डॉबरमैन? गाइस टाइटल और थंबनेल पता चल ही गया कौन सी ब्रीड दिखाने वाला हूँ। डॉबरमैन दिखाने वाला हूँ, उनके पास पपीज है। पहले उनके मेल और फीमेल दिखा देते हैं, बता देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाए भाई से। तो पहले दिखाते हैं भाई, देखो ये है मेल। ओ क्या नाम है भाई इसका? इसका रॉकेट नाम है। रॉकेट नाम है भाई इसने, मतलब इसकी कूदा फानी भाई खत्म नहीं हो रही। क्या खिलाते हो इसे? कूदा फानी खत्म नहीं हो रही। ये ब्रीडी ऐसी है भाई, ये अच्छा, थकती नहीं है ये। अच्छा। इसलिए इसको पालते हैं लोग कि भाई फार्म हाउसों में बड़े बड़ी जगहों पे कि भाई हाँ। ये गार्ड करे सब जगह इसको, एकदम मतलब ऐसा होता है ना हाँ। चारों तरफ से घिरा हुआ है जैसे कोई हाँ। तो ये वहां से भी निकल जाएगा। अच्छा, ये फुर्तीली ब्रीड है। इतनी फुर्तीली ब्रीड है हाँ। लीन एंड स्लिम ब्रीड है भाई। देखो मतलब भाई इतनी सी जगह हो रखी है इसमें, मतलब ये कूड़ा फानी के से। ये देखो भाई से। तो भाई मेरा क्वेश्चन है कि भाई इस क्वालिटी को मतलब जज की कैसे जाए कि मतलब ये ओरिजिनल ब्रीड है, कैसी कैसी ब्रीड है? आओ मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो भाई चलते हैं। ओ भाई की देखो फीमेल रॉकेट का मैगी। ओ उधर उधर। ओ भाई के भाई सारी बात मान रहा तुम्हारी तो। ये अब मैं रॉकेट से स्टे। भाई ने पूरा ट्रेंड कर रखा है। गुड बॉय। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डॉबरमैन होता है ना उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो असली ब्रीड है या नकली। तो एक तो डॉबरमैन के ना आंख के ऊपर दो डॉट होते हैं। अच्छा। ये 10 कलर के होते हैं हाँ। जैसे दिख रहा होगा आपको। हाँ हाँ दिख रहा है बिल्कुल भाई। और इसकी चेस्ट होती है ना जो हाँ। चेस्ट के ऊपर भी दो होते हैं। अच्छा मार्क। दो मार्क होते हैं हाँ। अच्छा और इसके पैर भी देखो आप चारों हाँ। पैरों पे ब्राउन कलर के मार्क हैं वो हाँ भाई ओरिजिनल की पहचान होती अच्छा, है। ओरिजिनल की पहचान होती है। पंजों के पास थोड़ा ब्लैक कलर होता है थोड़ा। अच्छा भाई मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि मतलब इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? लाइफ तो इसकी 12-15 साल होती है। बाकी ये अगर आप इसकी ज्यादा केयर कर रहे हैं तो 15 साल से ज्यादा भी जी सकता है। अच्छा। और वही है अगर आप इसको जैसे होता है कि भाई अपनी केयर नहीं कर पाता है इंसान हाँ। डॉग की क्या करेगा तो करेगा। उसमें फिर ये वैसे तो 12 साल नॉर्मली होती है। अच्छा तो ये उतना भी नहीं जी पाते ये। अच्छा। ये भी ये सोचते हैं कि यार कहाँ फंस गया के ऊपर बात होती है। आप फैमिली मेंबर की तरह रखेंगे इसे तो ये आपका उतना ही घर की तरह ही रहेगा। क्या पता अच्छा। कितने साल चीज है अच्छा। जानवर है हाँ, सही बात है भाई। तो भाई देखो ये फीमेल दिखाते देखो फीमेल देखो भाई कौन सी कलर की है फीमेल है? ये 10 कलर फीमेल है भाई। 10 कलर फीमेल है। इसने पॉप्स भी दिए ना भाई? हाँ इसने भी जो बच्चे दिए इसने दिए भाई। अब गाइस अभी थोड़ी देर बाद इनके पॉप्स दिखाऊंगा वो देखना कितने क्यूट क्यूट से। और देखो प्रॉपर भाई। अच्छा भाई जो इनके पॉप्स हुए हैं वो कैसे कलर के हुए? वो ब्लैक 10 कलर है। अच्छा माँ पे नहीं गए? नहीं। अच्छा गाइस देखो कितने क्यूट सी लग रही है ये। टच कर सकता हूँ ना भाई? बिल्कुल। देखो भाई देखो प्रॉपर टच कर रहा हूँ उसे। और भाई कितना क्यूट सी लग रही है ये। अच्छा ये कितने मंथ की साल की है? ये 3.25 साल की है। 3.25 साल की है। और वो रॉकेट कितने साल का है? रॉकेट इससे थोड़ा सा 1 महीना बड़ा है। अच्छा 1 महीना बड़ा है। अब वही है ना लोग तो वैसे तो मेरे को जिससे मैं ले रहा था वो कह रहा था कि मैं आपको पेयर दे देता हूँ। अच्छा। मैंने कहा नहीं यार पेयर मैं किसी और से लूंगा। अच्छा मतलब मैंने क्या करा पहले मैंने मेल खरीदा। अच्छा फिर मैं फीमेल लेके आया था किसी और से कि ब्लड लाइन का वो ना हाँ, हो जाए भाई बहन ना बन जाए। हाँ सही बात है। तो होता है सबकी हाँ, अपनी अपनी सोच होती है। सही बात। तो मैंने भी इसलिए इसको कहीं और से लिया उसको कहीं और से। अच्छा तो इनकी फिर मैंने भाई मेरे को भाई कलर भाई बहुत मस्त कलर लगा है इसका। तो गाइस अब मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ आपको बच्चे इसके पप्स जो हुए हैं वो बहुत दिखाते हैं। तो भाई कितने पप्स दिए हैं इसने? इसने 4 बच्चे दिए हैं। 4 बच्चे दिए हैं भाई। देखो ये फुर्तीली देखो भाई इनको पता है। ओए तो गाइस चलते हैं नीचे और दिखाता हूँ। तो गाइस देखो देखो कैसे दूध पी रहे हैं। हाँ बेटा ये देखो कितने क्यूट से लग रहे हैं छोटे छोटे से।
इनका ध्यान रखना पड़ता है बिल्कुल बार बार। ये देखो कितने क्यूट से लग रहे हैं। और यहाँ पे देखो फीमेल सो रही है, ये देखो मैगी, मैगी इसका नाम मैगी है ना, मैगी मदर फीड दे रहे हो इसे। हाँ मदर फूड, मदर अभी और कुछ खा ही नहीं सकते। अच्छा मदर मिल्क ही दे रहे हो ना। अच्छा बस देखो कितने क्यूट क्यूट से पपीस हैं भाई के। भाई कितने मेल है इसमें? इसमें भाई तीन मेल है। तीन मेल है, तीन मेल है, एक फीमेल है। अच्छा एक फीमेल है। हाँ। तो मतलब कितने दिन के हैं ये? ये भाई 10 दिन के हो गए हैं। 10 दिन के हो गए हैं। और देखो गाइस देखो कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। ये देखो कितने क्यूट से है, इनके फेस दिखाऊं एक बार आपको मैं। ये देखो कितने क्यूट क्यूट से बच्चे, देखो ये देखो कितने क्यूट से लग रहे हैं। ओ भाई के, तो भाई मतलब ये 10 दिन के हो चुके हैं, मतलब इसमें क्या केयरिंग क्या कैसे की जा रही है भाई? केयरिंग तो भाई अब ठंड भी है, ठंड में तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है भाई। बिल्कुल हर सही, 10 मिनट बाद मेरे को इनके चेक करना पड़ता है कि अब माँ के नीचे तो नहीं दब गए कहीं। अच्छा। कंबल में मुंह तो नहीं फंस गया। हाँ, सही बार बार चेक करता हूँ बच्चों। अच्छा। के लिए। अच्छा भाई जैसे माँ बाप की इनकी केयर करी है, बच्चों की भी करनी है, करनी है। सही बात, ये ज्यादा दिन के लिए तो मेरे पास है नहीं, है नहीं। हाँ भाई इन्हें अगले घर में भी जाना है, अगले घर में भी जाना है इनको, तो इसलिए इनकी थोड़ी अच्छे से ज्यादा करता हूँ। अच्छा कि जब तक है जब तक तो करो यार, करो। सही बात है, सही बात है। ज्यादा तो भाई एक मेरे को ना एक चीज दिख रहा है, जैसे इनके पूंछ में ना रबड़, टेल्स में रबड़ बंधी हुई है, तो इसका रीजन क्या है? ये भाई टेल के ऊपर रबड़ बनने का रीजन तो ये है कि मतलब इनकी पूंछ जैसे होती है, छोटी पूंछ होती है तो काटने के लिए। जैसे तो भाई जैसे मैंने देखा डॉबर में इनकी पूंछ कट होती है, तो इस कट होने की वजह से आपने रबड़ बांधी हुई है ना? हाँ ये इसी वजह से बांधी हुई है कि इनकी टेल, ये एक्चुअली में क्या होता है इनकी खूबसूरती भाई, इनकी टेल कटने के बाद आती है और फिर इस जानवर की ये होता है कि इसकी टेल कटने के बाद है ना ये निडर हो जाते हैं। अच्छा ये गार्ड डॉग होते हैं। हाँ मैंने भी भाई मैंने सुना है कि हंटिंग डॉग होते हैं, और जब ये हंटिंग करते थे ना, जब शिकारी करते थे तो इनकी पूंछ ना मतलब झाड़ियों में लग जाती थी, और इस वजह से जो शिकारी होता था वो चौकन्ना हो जाता था। शिकारी पूंछ पकड़ लेता था इनकी। हाँ तो मतलब चौकन्ना हो जाता तो वो भाग जाते थे, तो इस वजह से इनकी टेल काटी जाती थी। तो यही परंपरा आज भी चलती रह रही है। तो मतलब एक वो हो जाता है ना, मतलब हम कुछ देख रहे हैं भाई उसको फिर अचानक से वो चेंज हो जाती है, तो अलग वो लग अलग से लग जाता है। तो इस कितने क्यूट से लग रहे हैं भाई, ये देखो। ओ भाई के, तो गाइस अगर किसी को पपीज लेने हो तो भाई का कॉन्टेक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आ जाओ गले लग जाओ यार।